हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर फॉन्डली फिजिस्ट आई एम श्वेता सो आज की वीडियो है बिकॉज जब से मैंने मास्टर कैडर फिज़िक्स की प्रिपरेशन शुरू की है एक कमेंट आप लोगों का ज़रूर आता है मैम विच बुक्स टू फॉलो तो इसका रिप्लाई वैसे मैंने मेनी टाइम्स किया है बट देन आई थॉट या मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ सो दैट एवरी विल गेट टू नो कि कौन सी बुक्स जो तो है आपको फॉलो करनी है और कैसे प्रिपरेशन करनी है वैसे मेरी वीडियोस तो हैं ही तो इन दिस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगी कि व्हाट आई एम फॉलोइंग मैं क्या कहाँ से जो है सलेबस और एम प्रिपेयर करवा रही हूँ आप लोगों को सो लेट्स बिगिन तो अगर अपने सलेबस वैसे तो हम फोर यूनिट्स इसमें कर चुके हैं अभी तक आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि सलेबस कितना वाइडली स्प्रेड है ठीक है तो मैंने हर यूनिट के आगे लिखा है कि ये सलेबस जो है कौन कौन से आ, क्लासेस में से यू कैन से है सो so, जो फर्स्ट यूनिट है जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स जो है वो इलेवेंथ का सलेबस एंड बीएससी का सलेबस है उसमें अगर आपने मैकेनिक्स का सलेबस देखा होगा सिमिलरली वाइब्रेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स तो हम कर ही चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा एलेवंथ का ट्वेल्थ का और बी का सलेबस था एंड फिर इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इंड मैगनीटिज़म उसमें ट्वेल्थ एंड बी का सलेबस है देन थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टाटस्टिकल है जो कि थोड़ा सा इलेवेंथ का बेस जो रहेगा उसमें साथ में बी एस होगा जो फिफ्थ यूनिट है क्वांटम है और या हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मोलिकुलर फ़िजिक्स वो प्योरली बी एस थी ठीक है उनमें कोई जो है हमने पढ़ा नहीं हुआ पहले उसकी उसके रिगार्डिंग इन द लोअर क्लासेस उसके बाद है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स ज़्यादातर हमने ट्वेल्थ में जो है अटोमिक फिजिक्स पढ़ी है न्यूक्लियर फिजिक्स का हल्का सा हिंट पढ़ा हुआ है तो मतलब तो जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िजिक्स है उसको आप ट्वेल्थ एंड बीएससी का सिलेबस मान सकते हैं सो so, उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो कंडेंस मैटर फिज़िक्स होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये जो है हमें ट्वेल्थ में एंड बीएससी में थोड़ी एलेवंथ में ठीक है तो सिलेबस का आपको आइडिया हो ही होगा कि सिलेबस जो है वो इलेवेंथ ट्वेल्थ एंड बीएससी के बीच में ही है सारा सिलेबस सो मार्केट में आगे कोई सिंगल बुक नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँगी सिंगल बुक फॉलो कर लो बिकॉज देर इज नो सिंगल बुक जो इलेवन ट्वेल्थ एंड बी एस सी तीनों का सलेबस कवर करते हो ठीक है तो ऐसे कोई बुक तो है नहीं है सो so, अगर वैसे भी अगर हम सिलेबस को वेटेज वाइज भी देखें तो जो इलेवन ट्वेल्थ का सलेबस है उसकी वेटेज कम है लाइक ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ही इलेवन ट्वेल्थ का है मैक्सिमम सिलेबस जो है बी एस सी का ही है ठीक है तो ज़्यादा वेटेज जो है बी एस सी के सिलेबस की ही है इसमें जो इलेवन ट्वेल्थ का सिलेबस है वो एज अ बेस मतलब है ठीक है अगर आपको वो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है देन जो है सिलेबस को आगे पढ़ना डिफ़िकल्ट रहेगा ठीक है तो ये तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए ठीक है तो अभी आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं जब आप घर पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे करें इसमें सो so, इलेवेंथ या ट्वेल्थ की कोई भी बुक है अगर आपके पास ठीक है कोई भी है फंडामेंटल दिनेश एबीसी प्रदीप वाट कोई भी बुक है अगर आपके पास एलेवेंथ ट्वेल्थ की आपको उसके सारे एम कवर करने हैं यू you नो know, जब भी चैप्टर एंड होता है उसके बाद एम बहुत ज़्यादा होते हैं एक्स्ट्रा हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले एम भी होते हैं ठीक है so तो आपको जो है ईच एंड एवरी एम कवर करना है ये नहीं कि ये नहीं आएगा हमारे एग्ज़ाम में ये तो आई का ये तो गेट का ऐसा सोचना नहीं ईच एंड एवरी एम को आपको कवर करना है ठीक है सो सेम थिंग इज विद बी बी एस सी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो भी बुक्स हैं आपके पास ठीक है तो उनके चैप्टर के एंड में जो भी एम सी क्यूज़ हैं आपको वो सारे एम सी क्यूज़ कवर करने हैं ठीक है कोई भी एम सी क्यू नहीं छोड़ें सारे एम सी क्यूज़ को सॉल्व कर अच्छे से टॉपिक अपना पहले अच्छे से क्लियर करके एंड आपको सारे एम सी क्यूज़ उनको सॉल्व करना है सो आई कैन सजेस्ट यू पीपल कि एम सी क्यू उसको क्रैम ना करें आई एव सीन मैनी पीपल कि एम सी क्यू उसके आंसर को लर्न कर लेते हैं ठीक है इसका आंसर यही है तो आपको जो है टॉपिक समझते हुए जो है चलना है आगे बिकॉज इन द पेपर क्या हो सकता है जो एम सी क्यू है उसकी लैंग्वेज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है ठीक है तो ये तो होगा नहीं कि सच सेम आ जाए सो so, आपका मेन जो है फोकस होना चाहिए उस एम सी क्यू को समझने का अच्छे से सो दैट वैसा अगर कोई भी और आ जाए वो आपको आता हो सो so, अच्छे से एम सी क्यू उसको कवर करना है सो so नेक्स्ट जो जब भी हम चैप्टर हमारे एंड होते हैं ठीक है कोई भी तो उसके बाद यू हैव सीन द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वन मार्क टू मार्क ही जैसे करके क्वेश्चन होते हैं तो आपको उन क्वेश्चन को भी कवर करना डोंट गो विद द लेंथी वन जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वन मार्क टू मार्क वाले क्वेश्चन उनको भी सबको जो है आपको स्टडी करना है तो आई गेस मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको क्या करना है अपनी इलेवन ट्वेल्थ एंड बी एस सी के बुक्स के सारे एम सी क्यू सॉल्व करने हैं सारे वन मार्क टू मार्क वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है सो नेक्स्ट इज़ वट आई एम फॉलोइंग तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि आप ये टॉपिक कहाँ से करवा रहे हो ये क्वेश्चन कहाँ से हैं सारे तो आई थॉट कि मैं भी अपना बता दूँ आई एम प्रिपेयरिंग योर लेक्चर्स सो इलेवेंथ ट्वेल्थ का जो सिलेबस है आई एम फॉलोइंग प्रदीप फॉर दैट आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बुक ठीक है जो आपके पास बुक्स हैं आपको उन्हीं में से पढ़ना है वैसे भी टाइम ऐसा है कि बुक्स तो मिलेंगी भी नहीं कहीं से ठीक है ना तो जो आपके पास बुक्स हैं आप उन्हीं को ही पढ़िए अच्छे से एंड बेसिक है कि आप वीडियोज़ देखिए बिकॉज मैंने ईच एंड एवरी सिलेबस के जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाए हैं एंड आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम एमसीक्यूज ठीक है बट यू नो जो आपके बुक्स हैं उनके पीछे हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज सी क्यूज एंड एस नॉट पॉसिबल टू कवर हंड्रेड्स ऑन ऑल तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो एग्ज़ाम में जो पेपर आए हुए हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं कोशिश करती हूँ उन सबको ऐड करने का वीडियोज़ में सो फॉर बी एस मेरे पास मैक्सिमम बुक्स मॉडर्नस की ही हैं सारी ठीक है सो इन जो सिलेबस है सारा मैं इन्हीं में से कवर कर रही हूँ ठीक है एलेवन ट्वेल्थ एंड बी एस सी की बुक्स में से सम टाइम आई गो रेफर माई एम एस सी बुक्स ऑल्सो बट ज़्यादातर जो है एलेवन ट्वेल्थ एंड बी एस सी का ही होता है सारा सो एम सी के लिए जो है मैं क्या कर रही हूँ एमसीक्यूज़ जो हैं मैं आप एलेवेंथ की बुक ट्वेल्थ की बुक बीएससी की जो बुक हैं इन सबको फॉलो करते हुए जो इसमें से आपके टॉपिक के रिगार्डिंग एम होते हैं अपार्ट फ्राम दैट जो एक्स्ट्रा एम होते हैं उनके लिए मैं नीट के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स उनको जो है फॉलो कर रही हूँ साथ में गेट के जो पेपर हैं बिकॉज नीट का एग्ज़ाम होता है जनरली आफ्टर जब आप ट्वेल्थ अपनी कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ही एग्ज़ाम होता है ठीक है तो इसमें जो है एलेवन टवेल्थ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए होते हैं और वो सारे क्वेश्चन अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन की जो बुक्स हैं अगर एलेवन टवेल्थ की तो वो सारे क्वेश्चन उसमें भी प्रेजेंट होंगे तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर मैं गेट पेपर्स फॉलो कर रही हूँ गेट का एक्चुअली गेट होता है बी के बाद जो रहता है पेपर ठीक है तो बी जो है वो उसमें कुछ सिलेबस जो होता है बी फिजिक्स का होता है कुछ एम फिज़िक्स का सिलेबस होता है तो इसलिए जो है तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं गेट के पेपर्स में से मिल जाते हैं जो आपके सिलेबस से मैच हो रहे होते हैं उसके बाद कुछ जैम के पेपर्स में फॉलो करती हूँ जैम एज ज्वाइंट एंट्रेंस फॉर एम होते हैं तो एम के एंट्रेंस के लिए ऑब्वियसली बी तक का सिलेबस आता है तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वहाँ से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं एम तो वहाँ से पिक करती हूँ सो आई थिंक मैंने बता दिया आप लोगों को ठीक है तो वे फ्रॉम वेयर आई एम कवरिंग द सिलेबस एंड फ्रॉम वेयर आई एम कवरिंग द एम सी क्यूज़ आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप कोई बुक्स ना खरीदें ठीक है डोंट क्योंकि जो मैंने बिगिनिंग में बोला कोई सिंगल बुक सिलेबस नहीं कवर कर रही है कोई आप एक बुक उठा लोगे ठीक है वो अब कोई बुक्स इनमें से बाय भी कर लोगे तो उससे नहीं होगा सो so, जो आपके पास अपनी एलेवन ट्वेल्थ एंड बी की बुक्स हैं आप उन्हीं को ही अच्छे से कीजिए और एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन हैं ठीक है यू कैन गूगल दैम उनके लिए ये पेपर्स मिल जाए या कुछ भी आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एड मैक्सिमम एम ठीक है तो अभी जो है न्यूक्लियर फिज़िक्स कंप्लीट होने पर है तो उसके बाद आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि सिलेबस एक बार फिनिश हो जाए तो होल सिलेबस में से जो है एम पिक करके कुछ पेपर्स बना के लाइक सैम्पल पेपर्स आप लोगों को वो एम सी करने के लिए ठीक है तो इन दैट वे जो है करते रहेंगे आगे सो थैंक यू एवरी वन आई होप आप लोगों के डाउट्स सब क्लियर हो गए होंगे सबके कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ठीक है so, सो थैंक यू एवरी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक माई वीडियो एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करें इस वीडियो को तो थैंक यू एवरी